आज स्किन डिसीज का प्रोपोर्शन जो है ये दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्किन डिजीज के काफी सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसके अब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उसके एग्जैक्ट रीजन डिजीज तो डिजीज डिफर करते हैं, बट अगर ग्रॉसली अगर देखा जाए तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो उसमें इंक्लूडिंग योर डाइट लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद में रात का जागना और स्ट्रेसफुल एक्टिविटी जैसे कि जॉब स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। और ऐसे ही कुछ डिजीज लेके मेरे क्लिनिक में भी काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम काफी अच्छे से ठीक करते हैं। अब हमारे क्लिनिक में आने वाले स्किन डिजीज के पेशेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मतलब जहाँ पे अक्यूट कंडीशन, मतलब जहाँ पे जस्ट एक हफ्ता हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया मैक्स टू मैक्स, कोई स्किन डिजीज या फिर कुछ रैश है या फिर कुछ मतलब कुछ भी इचिंग है, कुछ फंगल इन्फेक्शन है, ये अगर होता है तो वहाँ पे सिंपल आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही पेशेंट को काफी अच्छे से आराम मिलता है, ठीक है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि अक्यूट स्किन डिजीज के ऊपर काफी सारे डॉक्टर्स के पास उसका सही इलाज मिल जाता है। प्रॉब्लम होता है क्रॉनिक स्किन डिजीजेस के ऊपर जो सालों से चल रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 5, 10 साल से अगर कुछ स्किन डिजीज अपने बॉडी में चल रहे हैं, उसमें भी अगर हमने काफी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेके देखा है बट फिर भी उसमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऐसा कुछ मिला नहीं अब तक। इवन डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी काफी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये सब यूज करके देखा है बट उसमें भी इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला है। तो दिक्कत वहां पे हो जाती है कि ऐसे स्किन डिजीज को कैसे ठीक किया जाए और वही एक हमारे लिए चैलेंजिंग केस होता है। और इसलिए उस स्किन डिजीज का रूट कॉज जो है ये फाइंड करके उसका ट्रीटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे क्लिनिक ग्रीन लीफ आयुर्वेद क्लिनिक में भी हम वही करते हैं। कोई भी क्रॉनिक स्किन डिजीज का पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आता है तो उस पेशेंट का जो रूट कॉज है वो स्किन डिजीज का, वो हम पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे अगर हम दिखता है कि उसका डाइजेस्ट सिस्टम वन ऑफ द मेन रीजन है, या फिर उसका स्ट्रेस वन ऑफ द रीजन है, या फिर उसका लाइफस्टाइल दिखते वन ऑफ द रीजन है स्किन डिजीज का, ये अगर जब हमको रूट कॉज मिलता है तो उसी रूट कॉज के ऊपर डिटॉक्स ट्रीटमेंट या फिर पंचकर्मा ट्रीटमेंट दे के हम वो रूट कॉज जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 8 साल में पेशेंट ने काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया बट उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलता था। मिलता भी था तो भी 1-2 महीने के लिए रिजल्ट मिलता था, उसके बाद में फिर से वो पैच वैसे के वैसे बढ़ जाता और ये जो पैच था धीरे 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 बढ़ते ही जा रहा था। अब वो पैच जो है यहाँ से चालू हो गया भी उसके अदर बॉडी पार्ट्स में भी वो आना चालू हो गया था। तो उस कंडीशन में हमने उसको कुछ आयुर्वेदिक पंचकर्मा डिटॉक्स ट्रीटमेंट दिया जैसे विरेचन, रक्तमोक्षण और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए हमने। और उस पेशेंट के रिव्यू जो है वो अभी आप इसी वीडियो में आप देख सकते हो कितना अच्छे से उसको रिजल्ट मिला उसका। डॉक्टर स्वप्निल गांगुले यांच्याकडे मी ट्रीटमेंट घेतली, विदिन 3 मंथ्स मध्ये मला सोरायसिसचे पॅच कव्हर झाले आणि त्या ट्रीटमेंटला घेऊन 2 वर्ष पूर्ण झाले, मला कोणताही प्रकारचा त्रास नाही। हा पॅच होता मला इथे, जखम होती पूर्णपणे, आता माझी स्किन बाकी सर्व स्किन सारखी नॉर्मल झाली, 2 वर्षात मला त्रास पण नाही झाला। सो यही एक खासियत है दोस्तों आयुर्वेद और पंचकर्म की एक बार अगर हम वो डिसीज के रूट पे अगर हम इलाज कर देते हैं वो जो डिसीज है वो दोबारा कभी आ नहीं पाता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।